हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है द वायरल स्टोरी। दोस्तों, जैसा कि आज आपको पता चल गया होगा न्यूज में कि आज आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी आज लॉन्च कर दिया, इसको आयुष्मान भारत के थ्रू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम आयुष्मान भारत योजना भी कह सकते हैं, वो आज झारखंड में लॉन्च कर दिया है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम भी कहा जा रहा है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम कहा जा रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर होगी। वैसे यह योजना प्रभावी तौर पर दो दिन बाद 25 दिसंबर को 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के पूरी तरह से लागू हो जाएगी। अभी देश में 29 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके 445 जिलों में ये योजना लागू होने जा रही है, क्योंकि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों ने इसे अभी अपनाया नहीं है। इसके तहत 10 करोड़ परिवारों यानी करीब 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। आइए आपको बताते हैं स्कीम की खास बातें। दोस्तों, कितने परिवार हो रहे हैं कवर इस स्कीम के तहत? 10.74 करोड़ परिवार, करीब 50 करोड़ लोग लाभार्थी होंगे। इनमें से करीब 8 करोड़ ग्रामीण परिवार हैं तो करीब 2.4 करोड़ शहरी परिवार हैं। इस तरह देश के करीब 40% आबादी को इसके तहत मेडिकल कवर मिल रहा है। लाभार्थी परिवार पैनल में शामिल सरकारी और निजी अस्पताल में प्रति साल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। इसके तहत इलाज पूरी तरह कैशलेस होगा। इस स्कीम की शुरुआत के साथ ही देश के 10,000 सरकारी और निजी अस्पतालों में गरीबों के लिए 2.65 लाख बेड की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। पूरा खर्च केंद्र वहन कर रहा है नहीं, इस योजना के होने वाले खर्च को केंद्र सरकार राज्य सरकारें मिलकर उठाएंगी। PMJY पर आने वाले खर्च का 60% केंद्र सरकार वहन करेगी और 40% भार राज्य सरकारों पर पड़ेगा। मौजूदा वित्त वर्ष में इस योजना की वजह से केंद्र पर 3500 करोड़ का भार पड़ने का अनुमान है। 2018-19 के बजट में केंद्र इस मद को 2000 करोड़ रुपए की टोकन मनी उपलब्ध करा चुका है। आरोग्य मित्रों की भूमिका क्या होगी? नेशनल हेल्थ एजेंसी ने 14,000 आरोग्य मित्रों के अस्पतालों में तैनाती किया गया है। इनके पास मरीजों की पहचान सत्यापित करने, उन्हें इलाज के दौरान मदद करने का काम होगा। लाभार्थी के वेरिफिकेशन में इन आरोग्य मित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके अलावा किसी भी पूछताछ, समस्या समाधान के लिए भी मरीज इन लोगों के पास संपर्क कर सकेंगे। इलाज किससे कराना है, वेरिफिकेशन कैसे करना है, किसी जरूरत पड़ेगी, ये जो वहाँ पे तैनाती होगी आरोग्य मित्रों की, उनके थ्रू उनके पास जा सकते हैं। पात्रता का आधार क्या होगा, मतलब कौन एलिजिबल होंगे इसके लिए? 2011 के सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना में गरीब के तौर पर चिन्हित किए गए सभी लोगों को इसके लिए पात्र माना गया है। दोस्तों, 2011 में जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के में जो गरीब लोगों को चिन्हित किया गया था, वो लोग इसके पात्र होंगे। इसका मतलब यह भी है कि अगर कोई शख्स 2011 के बाद गरीब हुआ है तो वह इसके फायदे से वंचित हो जाएगा। बीमा कवर के लिए उम्र की भी बाध्यता नहीं रहेगी, ना ही परिवार के आकार को लेकर कोई बंदिश है। इसका मकसद सभी गरीबों को हेल्थ प्रोग्राम से जोड़ना है। कैसे चेक करें अपना नाम? योजना को संचालित करने के लिए वाली नेशनल हेल्थ एजेंसी NHA ने एक वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। जैसा कि मैं आपको वेबसाइट में बता रहा हूँ इसमें क्या किया गया है। इसके जरिए कोई भी यह जांच सकता है कि लाभार्थी की फाइनल लिस्ट में उसका नाम शामिल है या नहीं है। लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक दिया है, आप उस वेबसाइट के लिंक पे जाके, और एक टोल फ्री नंबर मैंने दिया है जो हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दो मेल आईडी, वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप उसमें चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं फोन करके। किस अस्पताल में इनका इलाज होगा, सरकारी या प्राइवेट, की सूचना के लिए सरकार की सूची में शामिल सरकारी और प्राइवेट किसी भी अस्पताल के द्वारा इसका लाभ लिया जा सकता है। बड़ी तादाद में सरकारी और निजी अस्पतालों में जुड़ने की इच्छा जताई है। सरकार को अब तक 15,500 से ज्यादा अस्पतालों से जुड़ने के आवेदन मिल चुके हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छी स्कीम है, आप भी उस पर वेबसाइट विजिट करिए, अपना नाम चेक करिए। जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज है,
आप इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं आयुष्मान भारत की, उस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। उसमें नंबर है, निशुल्क हेल्पलाइन नंबर है, उसकी वेबसाइट है, आप जाकर अपना नाम सब चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जरूर ये अभी आज ही लॉन्च किए। थैंक यू सो मच।